हे एडिटर्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपनी वीडियो एडिटिंग को काफ़ी स्मूथ और एडवांस बना सकते हो। तो आज के टाइम पर तीसरा चौथा बंदा वीडियो एडिटर आपको दिखाई देता है। अगर आपको उस लीक से हटकर, उस कॉम्पिटिशन से हटके अगर कुछ क्रिएट करना है तो आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहना होगा। उन्हीं स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैं आपको आज Adobe Premiere Pro के कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपके वीडियो एडिटिंग के वर्कफ्लो को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रिप्लेसिंग फॉन्ट्स। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जिसमें कि आपने काफ़ी सारी एनिमेशंस ऐड की हैं, काफ़ी सारी क्लिप्स हैं, म्यूज़िक फाइल्स हैं, साउंड इफेक्ट्स हैं, इसके बाद आपने काफ़ी सारे टेक्स्ट लेयर्स ऐड की हुई हैं, अब आप चाहते हो कि उनमें से जो टेक्स्ट लेयर हैं उनका फॉन्ट चेंज हो जाए, आपका क्लाइंट बोलता है या फिर आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लगता, तो जिस वजह से आप अपने वीडियो में फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप चाहो तो वन बाय वन कर सकते हो। अगर वीडियो छोटी है तो आप एक एक करके भी उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर वीडियो काफ़ी लेंदी है उसमें अगर आप एक एक करके अपनी टेक्स्ट के फॉन्ट चेंज करने जाओगे वन बाय वन तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप एक ही बार में सारे फॉन्ट्स को चेंज करो, जिसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो ऊपर मेन्यू ऑप्शन में ग्राफिक्स एंड टाइटल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद जो नीचे ऑप्शन है रिप्लेस फॉन्ट इन प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे फॉन्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कि आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया हुआ है। तो आपको जो भी चेंज करना है उस पर क्लिक करोगे तो नीचे एक बॉक्स इनेबल हो जाएगा रिप्लेसमेंट फॉन्ट का, यहाँ क्लिक करके आप जो भी फॉन्ट चाहें वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करूँगा उससे ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, देख लो रिप्लेस हो चुका है ये। ओके, देन सेकेंड टिप आपका है जिसमें कि मैं आपको ईज इन और ईज आउट करने के शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ। बेसिकली आप काफ़ी सारे शॉर्टकट्स खुद से असाइन कर सकते हो ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो, आपको बार बार बटन्स क्लिक ना करना पड़े माउस से। आप शॉर्टकट जितना यूज़ करोगे उतना आपकी एडिटिंग बेटर होती जाएगी। तो यहाँ पे आप की फ्रेम्स ऐड करने के बाद इसमें चेंजेस करते हो, देन इसके बाद आप इनको सेलेक्ट करते हो, फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे आकर फिर आप इसे ईज इन करते हो, देन फिर अगेन सेम प्रोसेस आप रिपीट करते हो ये करके, फिर ईज आउट करते हो, तो आपका ये टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर दो तीन की फ्रेम्स है फिर आप कर सकते हो मैनुअली, लेकिन अगर काफ़ी सारे की फ्रेम्स हैं तो उस पर वन बाय वन करने में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, अंडरस्टूड। तो इसे हम इजीली करने के लिए हम शॉर्टकट्स असाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे एडिट टैब पे आ सकते हो। यहाँ पे आकर कीबोर्ड शॉर्टकट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी ज़्यादातर आप जो भी खाली कीज़ हैं आप उन पे की फ्रेम्स सॉरी आप उन पे शॉर्टकट्स असाइन कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो एफ़ कीज़ हैं F1 F2 F3 F4 आप इनमें असाइन करो क्योंकि ये मोस्टली अनयूज्ड हैं। ओके, तो इस पर हम ईज इन और ईज आउट का भी अप्लाई करने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे की फ्रेम टेम्पोरल। देखो यहाँ पे आप आओगे तो आपको मिलेगा की फ्रेम टेम्पोरल इंटरपोलेशन इज इन एंड इज आउट, आपको यही सेलेक्ट करना है, कंप्लीट नाम आप देख लेना। देन इसके बाद तो जहाँ पे ये इज इन लिखा है इसके आगे आप देखोगे तो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे क्लिक करके आप F1 प्रेस करोगे और इज आउट वाले ऑप्शन के आगे ब्लैंक स्पेस में क्लिक करके F2 प्रेस करोगे, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लाइंस क्रिएट हो गई यानी कि वो असाइन हो गया है। देन इसके बाद आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दो तो आपका ये शॉर्टकट असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क किस तरह से करेगा, मान लो यहाँ पे आपकी की फ्रेम से आपने सेलेक्ट किया और आपने प्रेस किया F1 तो इज़ इन F2 इज़ आउट, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम सेविंग रहेगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड टिप। सपोज़ आपने काफ़ी सारे की फ्रेम्स ऐड किए हैं, काफ़ी आपकी लेंथी प्रोजेक्ट है, इसमें आपने काफ़ी सारे एनिमेशन ऐड किए हुए हैं रोटेशन पे, एंकर पॉइंट पे, इसके अलावा आपने काफ़ी सारे इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, लाइक आपने क्रॉप इफेक्ट अपने वीडियो पे अप्लाई किया हुआ है, देन इसके अलावा आपने ल्यूमेट्रिक कलर आपने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, या जो भी इफेक्ट आपने ऐड किया हुआ है यहाँ पर, और सब में आपने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हुए हैं, किसी में आपने चेंजेस किए हैं, किसी में आपने चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपने काफ़ी सारी वीडियो एडिट कर दी, देन उसके बाद आप देखना चाहते हो कि आपको कौन सी की फ्रेम्स हटानी है, कौन सी की फ्रेम्स रखनी है, किसे आपको ईज इन करना है, ईज आउट करना है, की फ्रेम्स पर आपको वर्क करना है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, स्क्रॉल अप करना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन से पॉइंट्स पे आपने की फ्रेम ऐड की है और कौन से ब्लैंक हैं, ठीक है। बट इसका काफ़ी ईजी शॉर्टकट है जिससे कि आपको सारा एक जगह मिल जाएगा। आप यहाँ नीचे देखोगे तो ये जो फिल्टर का ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करो, देन इनमें जो सेकेंड ऑप्शन है शो ओनली की फ्रेम प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगे जिस पे आपने की फ्रेम्स ऐड किए हैं, बाकी सब कुछ वक्त के लिए हाइड हो जाएगा यहाँ से। तो आपको बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा अपने की फ्रेम्स वाली प्रॉपर्टीज़ को ढूंढने के लिए, आप इजीली एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वापस जाना है देन अगेन शो ऑल प्रॉपर्टीज़,
तो फोर्थ टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि सपोज़ आपने कोई सीक्वेंस क्रिएट किया है अपने वीडियो क्रिएट करने के लिए, जो कि 1920x1080 है या फिर 4K उसका सीक्वेंस है, लेकिन जो आप उसमें वीडियो इंपोर्ट कर रहे हो उसका डायमेंशन और उसका एस्पेक्ट रेशियो अलग है, तो आप उसे कैसे एडजस्ट करोगे? आप तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप स्केल की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, आप पोजिशन चेंज करके उसे एडजस्ट कर सकते हो, बट आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब प्रीमियर प्रो आपके लिए खुद ही करने को तैयार है। तो आपको सिंपली करना ये है कि आपको अपनी क्लिप पे आकर इस पर राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है सेट टू फ्रेम साइज़। इस पर क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है वो आपके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, उसका स्केल भी एंड उसका पोजिशन भी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली 200% पे आ चुका है स्केल और पोजिशन भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग है अगर आप किसी लंबे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। किसी छोटे प्रोजेक्ट में कर रहे हो तो आप मैनुअली बिल्कुल कर सकते हो इसे, आपको दोनों मेथड आने चाहिए, मैनुअली कैसे करना है ये भी और आपको टाइम कैसे सेव करना है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आना चाहिए। एज अ वीडियो एडिटर ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर आपके टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव करती हैं। देन इसके बाद फिफ्थ टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपका पीसी, अगर आप कोई ओल्ड पीसी यूज़ कर रहे हो, ओल्ड लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, जिस वजह से कि आपका जो सिस्टम है वो लैग कर रहा है, तो उसमें तो आप प्रॉक्सी क्रिएट करके वीडियो एडिट कर सकते हो या और भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप वीडियो को उसमें ईजिली एडिट कर सकते हो स्मूथली। अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये बात बता रहा हूँ जिनके पास एक अच्छा खासा सिस्टम है लेकिन कुछ सेटिंग्स चेंज ना करने की वजह से उनका जो सिस्टम है वो अभी भी लैग कर रहा है, उनके पास उसके सिस्टम में GPU है फिर भी वो वर्क नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हो कि आपके ही पास फाइल मेन्यू पर आकर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करो, जनरल पर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ पर रेंडर सिलेक्टेड है वो CUDA सिलेक्टेड है, GPU एक्सेलरेशन ऑन है। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली सिलेक्टेड है तो आप इसे चेंज करके ये सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर ऑडियो में कोई चेंजेस नहीं होगा, वीडियो में भी कोई चेंज नहीं होगा। देन इसके बाद कैप्चर फॉर्मेट में यहाँ पर आपका DV सिलेक्टेड है, आप इसमें HDV सिलेक्ट कर देना। ठीक है, देन इसके बाद HDR ग्राफिक्स में यहाँ पर आपका 203 सिलेक्टेड है, आप इसमें 300 सेलेक्ट कर देना और फिर ओके कर देना। आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, जो यहाँ पर रेड लाइंस आती हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, तो आपको काम करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत लैग होता है यहाँ से आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, 1:2, 1:4 या 1:8, जो भी आपको परफेक्ट लगे आप उस अकॉर्डिंग से सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 टिप्स जो कि मैं आपको बताना चाहता था। ऐसी और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा, बट एक वीडियो में ये बताना काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है जिससे कि आप भी बोर होने लगते हो। तो अगर इस वीडियो पर अगर आपका सही रिस्पांस आता है, कमेंट्स अगर आप करते हो कि आपको और ऐसी टिप्स जाननी है, ऐसी ट्रिक्स जाननी है, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इसके अलावा भी अगर आप किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हो प्रीमियर प्रो से रिलेटेड या आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स, लव यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।